Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है। उत्तर अध्ययन को प्रकाशित करने वाले आगमवाणी को आगमवाणी के उपदेष्टा समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन में जो कुछ उत्तर हमें मिल रहे हैं यानी जो कुछ हालात हमें मिल रहे हैं उन हालातों का अध्ययन करके हम अपने पूर्व के बारे में जान सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज गरीबी में है वो अपनी गरीबी का अध्ययन करे गरीबी के समय की मानसिकता का अध्ययन करे तो वो अपने अतीत को जान सकता है कि मेरा अतीत कैसा रहा होगा जो आज मैं गरीबी को भोग रहा हूँ। अक्सर गरीबी को भोगने वाले लोगों का अतीत कुछ इस तरह का होता है। वे खुद का अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने कभी अमीर और अमीरी से नफरत की होगी, उन्होंने कभी अमीरों के अंदर मौजूद दुर्गुणों को बहुत बढ़ चढ़ के प्रकाशित किया और कराया होगा, उन्होंने कभी गरीबों की हाय ली होगी, बद्दुआ ली होगी, अथवा उन्होंने कभी मन ही मन वैराग्यवश ही सही गरीबी की चाह न की होगी कि गरीबी फकीरी अच्छी है इसमें प्रभु याद रहते हैं, अमीरी खराब है जिसमें प्रभु भूल जाते हैं। उसका जैसा मनोविज्ञान रहा होगा वैसा उसका आज का यह परिणाम है। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्राप्त समृद्धि का अध्ययन करे तो उसे समझ आएगा ये समृद्धियाँ ये दुर्लभ चीजें उसे क्यों नसीब हुई, कारण क्या। कारण को खोजेंगे तो उत्तराधन सूत्र का तीसरा अध्याय चतुरंगीय कारण बताता है कि कुछ लोग हैं जो दुर्लभ अंगों को पाकर के उनका सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं उसमें आसक्त नहीं होते। वे लोग एक दिन उन समृद्धियों को पाते हैं जिन समृद्धियों की उनके मन में कोई तरह की चाहना नहीं होती। विचित्र है, जैसे इंसानों के जीवन में हम देखते हैं कुछ लोग दिल से सबकी सेवा करते हैं, मदद करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। समय आने पर जिन जिन की उन्होंने मदद की वे सब लोग उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं और उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं, कोई उसको बड़ी पोस्ट पे बिठा देते हैं। अब वो कहेगा मैंने कभी पोस्ट नहीं चाहा, लेकिन उसने जनता को वो सब कुछ दिया जो एक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को देना चाहिए था, तो जनता ने उसको एक दिन वो पोस्ट दे दी। तीसरा अध्याय यही तो कहता है
कि जिस व्यक्ति ने दुर्लभ अंग पाए, मनुष्य जीवन, धर्म की श्रवण करना, श्रद्धा करना, संयम में पराक्रम करना, वो पराक्रम करता हुआ किसी दिन अपना मनुष्य आयुष्य पूर्ण करके अगर देवगति में चला जाता है, मुक्त हो गया तो बात अलग, सपोज देवगति में चला गया, तो देवगति से लौट करके जब वो मानव बनता है तो उसके पास मनुष्यों के भोगने योग्य जो भी उत्तम सामग्रियां होती है वो स्वतः चल करके आती है। यानी उसका उत्तम कुल में जन्म होता है, उसका शरीर स्वस्थ और निरोग होता है, उसके पास बड़ा, क्योंकि पुराने ज़माने में और आज भी संपत्तिशाली उसको माना जाता है जिसके पास बहुत बड़ी जमीन हो, उसके पास खेत वत्थु होते हैं, हिरण्य सुवन्य होता है, धन धान्य होता है, ये सब कुछ उसके पास है। तो सवाल पैदा होता है, क्या पिछले जन्म में त्याग किया था इसलिए पाया? हाँ, त्याग किया था इसलिए पाया, लेकिन इसलिए नहीं पाया कि उसने त्याग से इसको चाहा था, बल्कि त्याग किया तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज डेवलप हो गई कि बाकी सारी चीज़ें खुद चलकर उसके पास आती है, लेकिन वो किसी चीज़ों के पीछे नहीं भागता है। वॉट इज़ द डिफरेंस? सामान्य व्यक्ति जिन चीज़ों के पीछे भागता है, पैसे के पीछे, पोस्ट के पीछे, पहचान के पीछे, जमीनों के पीछे, सोने चांदी के पीछे, वे सारी चीज़ें उस त्यागी आत्मा को स्वयमेव आती है, स्वयं में मिलने आती है। क्यों? समृद्धियां अपना सौभाग्य मानती है त्यागी के चरणों में लौटकर, लेकिन त्यागी उनके बीच में रहकर के भी त्यागी रहता है। अब ये बड़ा विचित्र है, वो उनके बीच में रहकर के भी भोगी नहीं होता, और जो व्यक्ति उनके पीछे भाग रहा है जिसके पास ये चीजें नहीं है वो अभी तक भोगी है। भारतीय संस्कृति में ये एक अद्भुत विज्ञान वर्णित है जिसे समणों ने दिया, उपनिषदों में लिखा गया, जैन सूत्रों में लिखा गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रद्ध कस्य स्वित्थनम्। जीने की कला कैसी हो कि त्याग पूर्वक भोग हो, भोग कैसा? त्याग पूर्वक। अब बड़ा विचित्र है, यहाँ आदमी जो भोगता है वो कामना पूर्वक भोग करता है। हम खाना खाते हैं, पहले खाने की इच्छा होती है फिर खाना खाते हैं। आप मार्केट जाते हो ज्वेलरी खरीदने, कपड़े खरीदने, सामान खरीदने, लग्जरी के सामान खरीदने, उन सब की पहले मन में टेम्पटेशन होती है, मन में इच्छा होती है, लालसा होती है, सपना होता है, बड़े सालों से संजोए हुए सपने होते हैं, तब उनको भोगने जाते हो, खरीदने जाते हो। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? कामना पूर्वक भोगना में दासता है, और त्याग पूर्वक भोगने में मालिकी है, मालकियत है, अमीरी है। तीसरा अध्याय क्या कह रहा है? जिसको सही समझ है जिंदगी जीने की, भोग उसके पास भी है लेकिन वो त्याग पूर्वक भोगता है। जिसको समझ सही नहीं है वह भोगता है लेकिन वह कामना पूर्वक भोगता है। कामना दासता में ले जाती है और त्याग मालकियत। ये तीसरा अध्याय का सार है। चौथा अध्याय, चौथा अध्याय कहता है कि कुछ लोग हैं जो दुनिया को देख के सीख लेते हैं, बुढ़ापे को देख के सीख लेते हैं, अकाल मौत को देख के सीख लेते हैं, बीमारियों को देख के सीख लेते हैं, अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी की घटनाओं को देख के समझ ले लेते हैं, वे जागरूक हो जाते हैं, अप्रमत्त हो जाते हैं। पर कुछ लोग हैं जो सदा प्रमादी बने रहते हैं। उन प्रमादी रहे हुए लोगों को चौथा अध्याय संदेश दे रहा है कि असंस्कृत जीवन को देखो, जीवन की असंस्कृति को देखो, यहाँ कुछ निर्धारित नहीं है।
कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे हम कह दें कि निश्चिंत हो जाओ सब कुछ हो जाएगा, नहीं। यहाँ निश्चिंत हो जाओ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चिंता करो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या करो, ना निश्चिंत बनो ना चिंता करो, तो क्या करो? बड़ा विचित्र है, हमें तो दो ही बातें आती हैं, या तो हम चिंता करते हैं या हम आलसी निश्चिंत हो जाते हैं। होने दो, जो होना है सो होने दो, हमें क्या। किस्मत में लिखा होगा तो आएगा, नहीं लिखा होगा नहीं आएगा, होने दो। या तो हम लापरवाह बेपरवाह हो जाते हैं या हम चिंता में आकुल व्याकुल रहते हैं। चौथा अध्याय कहता है असंस्कृत है, चिंता भी मत करो लापरवाह भी मत बनो, केवल जागरूक बन जाओ। ये तीसरा ऑप्शन, जागरूक हो जाओ, समझो और जागते हुए जियो। ये रास्ता कौन अपनाता है? हाँ, समझो और जागते हुए जियो। वो कह रहा है चौथा अध्याय कि जो समझता है और जागते हुए जीता है वो इस जिंदगी में अमृत को पा लेता है। जो ना समझ है, नादान है और बेभान बन के जीता है वो पग पग पे दुख उठाता जाता है, खेदित होता है, पश्चाताप करता है। बीते समय का पछतावा, टूट गए रिश्ते का पछतावा, रिश्ते टूट जाते हैं फिर वो पछतावा करता है, हाय रे क्यों तोड़ा, अकल आ जाती तो ठीक रहता। समय बीत जाता है, वो फेल हो जाता है, तब रोता है, पहले मेहनत कर ली होती तो अच्छा रहता, पास हो जाता। वो पछताता है जो प्रमादी है, जो जागरूक है वो पछताता नहीं है। ये दोनों अध्याय आदमी को किस भांति जीना, किस भांति जीवन के अमृत को उपलब्ध होना, वह प्रेरणा देते हैं। हम इन दोनों अध्यायों के विस्तृत अर्थों को सुन चुके हैं, अब अपने लिए एक संदेश ले लें कि हमें कैसे जीना। खुद होमवर्क करें, एक कॉपी में लिखो हमें कैसे जीना। कामना पूर्वक भोगना या त्याग पूर्वक भोगना, निश्चिंत जीना, चिंतातुर होके जीना, लापरवाह होके जीना या जागरूक जिंदगी जीना। अपनी डायरी खुद बनाए, खुद का चेहरा खुद ही अपनी भावों में और भाषा में देखना शुरू करें, तो यह सूत्रों का अध्याय हमारे लिए स्वाध्याय बन सकेगा। अन्यथा केवल सूत्र अध्याय रह जाएगा, स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। हमें स्वाध्याय करना है, तभी हमें समझदारी आएगी। जय हो, जय हो, जय हो।